जहां एक तरफ स्कूल एजुकेशन विभाग ने ये डिसाइड कर लिया है कि 12th क्लास के जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं उनमें जिन स्कूल्स का 0% रिजल्ट आया है या जिन टीचर्स के सब्जेक्ट में 0% से 20% तक रिजल्ट आया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वहीं अगर बात की जाए तो अभी भी टीचर्स को टर्मिनेट करने का और ख़ास तौर पर वो टीचर्स जो सालों से एब्सेंट थे उन्हें टर्मिनेट करने का सिलसिला भी चला आ रहा है। एक और ऑर्डर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया है जिसमें एक टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया है और उसके अलावा एक और टीचर को प्री टर्मिनेशन नोटिस तक जारी कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन विभाग का ये जो ऑर्डर मेरे पास है इसमें कहा गया कि अब्दुल मजीद खान जो कि टीचर थे मिडिल स्कूल शेरपोरा बारामूला के, वो अपनी ड्यूटी से 3 सितंबर 2015 से एब्सेंट चल रहे थे। 7 साल हो चुके थे उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन किए हुए। उसके बाद उस टीचर को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो अपना पक्ष सामने रखे कि वो आखिर ड्यूटी रिजॉइन क्यों नहीं कर रहे। टीचर को एक और अपॉर्चुनिटी एंड में दी गई जब 6 जुलाई 2021 को जिस तारीख को और कई सारी टीचर्स को ज्वाइंट शो कॉज नोटिस जारी किया गया था ताकि वो बताते कि वो ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे, तो 6 जुलाई 2021 को अब्दुल मजीद खान को भी नोटिस जारी किया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि डायरेक्टरेट उन्होंने जब कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद 7 दिन का समय दिया गया उन्हें कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अगर जवाब दे देते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसका नतीजा ये निकला कि 29 दिसंबर 2020 को डेजिग्नेटेड कमेटी के सामने ये मामला गया। जब डेजिग्नेटेड कमेटी के सामने मामला गया तो उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 113 का इस्तेमाल करते हुए और आर्टिकल 128 का इस्तेमाल करते हुए उनके टर्मिनेशन का आदेशनामा जारी कर दिया गया है और अब्दुल मजीद खान जो कि RRT टीचर थे शेरपोरा बारामूला में उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक प्री टर्मिनेशन नोटिस भी जारी किया गया है और शौकत अहमद डार जो कि जूनियर असिस्टेंट है ZDO कुंजर में बारामूला में, उनको लेकर जो है ये प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया है और ये कहा है कि यू वर चार्ज शीटेड बाय दिस ऑफिस जिसके जवाब आपने 29 जनवरी 2020 को दिया लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया वो अनसेटिस्फैक्ट्री देखने को मिला। उनको लेकर ये कहा गया इस ऑर्डर में कि वो अनऑथराइजेडली अपनी ड्यूटी से एब्सेंट थे 18 जुलाई 2017 से, यानी कि लगभग 5 साल का समय उन्हें भी हो गया था अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हुए हुए। जो जवाब उन्होंने दिया जब उनसे ये पूछा गया कि आप एब्सेंट क्यों हैं तो वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला। अनऑथराइज एब्सेंस के चलते जो J&K सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उसमें आर्टिकल 128 ये कहता है कि एब्सेंस विदाउट लीव या एब्सेंस आफ्टर द लीव अगर होती है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट से हाथ धो बैठ सकते हैं। इसके नतीजे में इशू जब डेजिग्नेटेड कमेटी के सामने रखा गया 7 जून 2021 को मीटिंग हुई तो एक थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद ये जो कॉपी है चार्जशीट की उसे एब्सकॉर्डिंग ऑफिशियल को भेजा गया, फिर उसकी रिप्लाई आई इंक्वायरी ऑफिसर्स की तरफ से रिप्लाई आई, कमेंट्स रिकमेंडेशन सब कुछ ये पूरा प्रोसेस जो है उससे होकर गुजरा और उसके फाइन अंत में जो है ये डिसीजन लिया गया कि इन्हें प्री टर्मिनेशन नोटिस जो है वो दिया जाता है। 7 दिन का समय इन्हें अभी भी दिया गया है। एक और अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो डायरेक्टरेट के सामने पेश करें। 7 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई लॉजिकल कोई रैशनल स्टेटमेंट दे पाते हैं ये जस्टिफाई करते हुए कि वो इतने साल से एब्सेंट आखिर क्यों थे अपनी ड्यूटीज से, तब जाकर जो है उनकी बात को कंसिडर किया जाएगा। अगर वो 7 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं देते या फिर वो जो जवाब देते हैं उसे अनसेटिस्फैक्ट्री माना जाता है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। प्री टर्मिनेशन नोटिस की अगर बात की जाए तो लास्ट रिजॉर्ट ये प्री टर्मिनेशन नोटिस होता है। इससे पहले जो है कई सारे अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं टीचर्स को कि वो बताएं कि आखिर वो एब्सेंट क्यों थे। जब जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता एक पूरे प्रोसीजर से होकर गुजरना होता है, उसके बाद जाकर आखिर में प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद केवल टर्मिनेशन का ही नोटिस होता है। तो ये दो और टीचर्स हैं जिनको लेकर स्कूल एजुकेशन विभाग जो है वो एक्शन लेने जा रहा है और स्कूल एजुकेशन विभाग कश्मीर जो है कई ज़्यादा सतर्क हो गया है इस मामले में कि वो इंश्योर किया जाए कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को पहुँचे और जो लोग जो डेडवुड डिपार्टमेंट में केवल नाम के लिए ही हैं और अपनी ड्यूटी से सालों से एब्सेंट हैं उन्हें डिपार्टमेंट से हटाने का काम उन्हें टर्मिनेट करने का काम भी जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर कर रहा है।